के पीछे नंद बाबा का प्रवेश। यशोदे, गाना कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। महाराज, अभी अभी तो आपके साथ ही था, थोड़ी देर के लिए भी आपकी आंखों से दूर हुआ कि अब व्याकुल हो जाते हैं। हाँ नंद रानी, हम भी उसी से मिलने आई हैं। आज तो यमुना तट पर भी नहीं दिखा। तुम सब तो अब मुझे भयभीत और चिंतित कर रही हो। कान्हा, अरे ओ कान्हा, आजा लल्ला, माखन तैयार है। मैया, ओ मेरी मैया, आज तो मैं माखन नहीं खाऊंगा। क्यों, आज मेरे लल्ला को भूख नहीं है क्या? भूख तो जोरों की लगी है माई। नहीं नहीं, भूख तो बिल्कुल नहीं लगी है, किंतु आज माखन अवश्य खाऊंगा। तो खा ले लल्ला, यही तो मैया कह रही है। नहीं बाबा, यहाँ नहीं, अभी नहीं। मेरे सखा, मेरे मित्र, यमुना तट पर मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। माँ, बाबा, मुझे शीघ्र जाना होगा। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? चल हट यहाँ से। ग्वाल बालों के साथ श्री कृष्ण बरसाने से माखन लेकर गोकुल और वृंदावन की ओर जाने वाली गोपियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनकी माखन को लूटने की युक्ति के विषय पर आपस में योजना बना रहे हैं। आज बरसाने की गोपियों ने मार्ग बदल लिया क्या? मैं बहुत अधिक क्षुधित हूँ। सुनो श्री दामा, कुमार पर चलने वाले मेरे प्रिय नहीं हो सकते। मैं तो गोपियों से बहुत प्यार करता हूँ, वे मैं कैसे बदलेंगे? और राधा, वो तो अपने चिच्चोर से मिलने को अवश्य आएगी। फिर राधा का नाम लिया? मैं चित्विक नहीं चुराता, मैं तो बस माखन चुराता हूँ। लगता है गोपियाँ आ रही हैं। लो आ गई बरसाने की गोपियाँ। सब लता कुछ और विटप के पीछे छुप जाओ। कहाँ है वो माखन चोर नंद किशोर? आज मैं देखती हूँ वो माखन कैसे चुराता है। राधिके, लगता है कन्हैया यही कहीं छिपा बैठा है। ये अनहद नाद है चित्रे, अब मेरा मन मेरे वश में नहीं। तो ये मटकी तुम्हारे वश में क्यों है राधे? ला दे इसे। ओफो, सारा माखन लूट लिया। चलो सखियो चलो। नंद महाराज का घर यशोदा माखन की कटोरी लिए कृष्ण की राह देख रही है।
नंद बाबा भी कृष्ण की राह देख रहे हैं, कब मेरा लल्ला आएगा और माखन खाएगा। आ गया मेरा लाल, तो आ माखन खा ले। फिर माखन? अब तो मैं माखन बिल्कुल नहीं खा सकता। तुम्हारे कथन का आशय क्या है लल्ला? आशय मैं बताती हूँ, तुम्हारे लल्ला ने बरसाने की गोपियों का सारा माखन लूट लिया, अब हम सब अपने बाबा को क्या कहेंगी? बस इतनी सी बात, कह देना यमुना तट पर पैर फिसल गया था। सुन कान्हा, इस तरह से मुझे और मेरी सखियों को सताना उचित नहीं है। उचित अनुचित मुझे मत सिखा चुगलखोर। क्या कहा? ठहर, अभी बताती हूँ। मैं इसका प्रतिशोध अवश्य लूंगी। जा जा, बड़ी आई प्रतिशोध लेने वाली। माई माई, मेरी बांसुरी। तेरी बांसुरी मैं क्या जानू? जा जाके उनसे पूछ जिसके तूने माखन चुराए हैं। तुम रानी का ही होगा। माई मैं अभी आया। गोपियां अटखेलिया कर रही हैं, तभी बांसुरी के साथ राधा प्रवेश करती है। राधिके, ये कन्हैया की बांसुरी तुम्हारे पास? अच्छा किया जो इस सौतन को उठा लिया। बांसुरी? मेरी सौतन? हाँ नहीं तो क्या, दिन रात कदम की डाली पर बैठे इसे टेरता रहता है, कभी हमारी सुध भी नहीं लेता। अब देखना वो हमारी सुध भी लेगा और पैर भी पड़ेगा। राधिके, ओ मेरी प्यारी राधिके, क्या तुमने मेरी बांसुरी चुराई है? तुम कितने ढीठ हो कान्हा, बिना प्रमाण के तुम मुझे चोरनी कहते हो? प्रमाण है, तुमने चांद से अपने लिए सुंदरता चुराई है, तुमने बिजली से अपनी मुस्कान चुराई है, अब तो तुमने मेरा हृदय भी चुरा लिया। बोल राधा, मैंने सही कहा ना? ला अब मेरी बांसुरी दे दे। पहले मेरे पैर पकड़ या क्षमा मांग, फिर बांसुरी मिलेगी। अच्छा बाबा, मुझे क्षमा कर दो। राधिके, इतना मत सता अपने कन्हैया को, दे दे उसकी बांसुरी। लो, अब तो प्रसन्न हुए? हाँ, अब मैं बजाऊंगा और तुम सब नाचोगी।
Indeed, India is a land with vast culture and heritage. Don't you think, Yuvika, we should be acquainted with it? Yes, Arshika, but we are also taught modern culture, Western dance and music. Yes, certainly, Yuvika, we should learn both. So get ready to watch a modern freestyle dance by the students of Standard 6. Varun, is it a storybook? Show me, please. Is it an adventure or fiction? Tell me, Tuhin, do you like fairy tales? Yes. Yes, of course. Which child doesn't? Beauty and the Beast, the Sleeping Beauty. I love them all.